वेलकम टू ड्रामे श्रामे। ड्रामे श्रामे में आज आयशा उमर की बहादुरी आपको देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आयशा उमर ने इंडियन जो है लोगों के सामने ही जब 2022 का एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ और आयशा उमर का वहाँ कॉन्सर्ट था और उन्होंने अपने कॉन्सर्ट पर अपने जो है शायकीन के साथ भी पिक्चर्स लीं और उसके अलावा उन्होंने अपने फैंस के साथ पिक्चर्स भी ली, उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए और अपने साथ कोलीग्स के जो हैं वो बड़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही थी और अपनी एक्साइटमेंट में उन्होंने वहाँ पर जब उनके पास से एक टीम इंडियन जो गुजरी तो उनको देखते ही आयशा उमर की टीम ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए और जो है उनके साथ कॉम्पीट किया पूरा। उन्होंने भी अपने मुल्क के हक में नारे लगाए। आयशा उमर स्टेडियम में भी बिल्कुल आगे आगे दिखाई दे रही थी और वो काफ़ी एक्साइटेड थी इस मैच के लिए। आयशा उमर ने अपने जो है कॉन्सर्ट की भी कुछ वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे भी डाली थी जो कि आपकी स्क्रीन पर इस टाइम चल रही हैं। आयशा उमर की एंट्री अपने कॉन्सर्ट के लिए, उसके बाद उनकी अपने फैंस के साथ मुलाकात, फैंस के मुलाकात के साथ साथ उन्होंने अपने बहुत सारे फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया और अपने कोलीग्स से भी मिली और वो काफ़ी एक्साइटेड थी अपने कॉन्सर्ट के लिए। फिर वहाँ पर उन्होंने सिंगिंग की, अपनी सिंगिंग के ज़रिए भी उन्होंने अपने शायकीन को अट्रैक्ट किया। आयशा उमर पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, उसके साथ साथ ही इन्होंने बहादुरी का भी सबूत दिखा दिया। उन्होंने इंडियन टीम के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और बढ़ चढ़ कर इस नारेबाजी में हिस्सा लिया। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं और मुझे इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।